हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1813। इसके पहले मैंने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसको भी पढ़ा दिया है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चार्टर अधिनियम 1813। हम लोग देखेंगे कि इसकी विशेषताएँ क्या है और इसकी आलोचना क्यों की जाती है। 1813 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम कह सकते हैं आप, दोनों कह सकते हैं, चाहे एक्ट कहिए चाहे अधिनियम कहिए। लॉर्ड वेलेजली की विस्तारवादी नीति के कारण, ध्यान से देखना, लॉर्ड वेलेजली की विस्तारवादी नीति के कारण कंपनी की स्थिति दयनीय हो गई थी और उसने ब्रिटिश सरकार से धन की याचना की। यानी कि लॉर्ड वेलेजली ने जो विस्तारवादी नीति अपनाई थी, सहायक संधि की नीति अपनाई थी, उससे कंपनी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई थी, कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो कंपनी घाटे में जा रही थी। अब कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से धन की मांग की, यानी कि उधार मांगा कि आप कुछ हमें पैसे दे दीजिए जिससे हम यहाँ अपना व्यापार अच्छे से चला सकें। संसद ने इसके लिए 1808 ईस्वी में एक समिति की नियुक्ति की। दूसरी तरफ ईसाई मिशनरियों ने भी भारत में धर्म प्रचार हेतु ब्रिटिश सरकार से सुविधाओं की मांग की। जो ईसाई मिशनरी थे वो भी बार बार मांग कर रहे थे कि हमें भारत में जाने की अनुमति दीजिए और वहाँ पर हम जा कर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। समिति की रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने एवं आगामी 20 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 का चार्टर अधिनियम अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 पारित किया गया। तो समझ गए, चूँकि ये जो अधिनियम पारित होता था इसके द्वारा जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार बढ़ा देती थी। जैसे 73 में पारित हुआ, फिर 93 में पारित हुआ, अब 93 के बाद 13 में पारित हुआ, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा 33 में, फिर 53 में, ऐसे 20-20 वर्षों का अधिकार देती थी कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार देती थी कि आप भारत में व्यापार करिए। ये देखिए, इससे पूर्व 1793 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार में 20 वर्षों के लिए वृद्धि कर दी थी, जो 1813 में समाप्त हो गई थी। यानी कि 1813 तक व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था, अब फिर से उसको दोहराना था, तो फिर से 1813 में 20 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी गई। और अब यह कब तक चलेगा, 33 तक चलेगा। तो हम इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं, कौन कौन से मुख्य प्रावधान थे या कौन कौन सी इसकी विशेषताएं थी। सबसे पहले इसमें क्या बात कही गई, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया व कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आप समझिए इस लाइन को, सबसे पहला लाइन तो ये है कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, इसको आप समझ गए होंगे, बहुत आसान लाइन है। लेकिन दूसरी बात कही, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब पहले ये कहा गया था कि भारत के साथ व्यापार करने वाली एक ही कंपनी होगी, वो कौन सी कंपनी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी उसको एक अधिकार दिया गया था कि केवल और केवल तुम ही, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती है और कोई कंपनी ब्रिटेन से नहीं आएगी। लेकिन अब ये नियम समाप्त कर दिया गया, एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कहा कि हम और कंपनियों को भी आज्ञा दे सकते हैं कि वो भारत में जाए और व्यापार करें। तो पहली विशेषता ये थी इस एक्ट की। दूसरी क्या थी, लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर यह एक अधिकार बरकरार रखा गया। हालांकि कंपनी को ये अनुमति ज़रूर दे दी गई कि तुम चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एक अधिकार रखो, उसमें कोई भी अन्य कंपनी दखल नहीं देगी। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई, यानी कि निजी व्यापार करने की अनुमति कुछ व्यापारियों को, कुछ ब्रिटिश वासियों को अनुमति दे दी गई कि तुम जाओ भारत में मुक्त व्यापार करो।
अगला पॉइंट है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। जो बात मैंने आपको बताई थी कि वो लगातार मांग कर रहे थे तो उसकी अनुमति मिल गई। अगला पॉइंट है, कंपनी की आय में से भारतीयों की शिक्षा यहाँ के होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ भारतीयों में शिक्षा में होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो कंपनी की आय में से भारतीयों में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा इस एक्ट में कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी जो भी पैसे कमाती है व्यापार के माध्यम से उसमें से 1,00,000 रुपये किस पर खर्च करेगी, भारतीयों में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान को बढ़ाने के लिए इस पर वो 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष खर्च करेगी। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। तो ये सारे इतने इसके प्रावधान हैं, आप इसको विशेषताएं भी कह सकते हैं। हालांकि इस एक्ट की आलोचना की जाती है तो देख लेते हैं आलोचना क्यों की जाती है। देखिए, इस अधिनियम ने कंपनी के संविधान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया, फिर भी कुछ कारणों से इसका विशेष महत्व है। प्रथम बार कंपनी को भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया, यानी कि कंपनी को कहा गया कि आप 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष खर्च कीजिए भारतीयों में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान को बढ़ाने के लिए, तो पहली बार सौंपा गया। ये एक मुख्य विशेषता है इस एक्ट की। देखिए, आलोचना में क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत अच्छाइयाँ लिखनी पड़ती है, थोड़ा बहुत बुराइयाँ। तो अभी हम पहले अच्छाइयों की बात करते हैं। तो अच्छाइयों में पहली चीज़ क्या थी कि कहा गया कि आप शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये खर्च कीजिए भारतीयों के लिए। दूसरा प्रमुख प्रावधान, भारतीय व्यापार के लिए कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना था, यानी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, अब और भी कंपनियां आ सकती थी। अब देखते हैं निगेटिव पॉइंट क्या है, इसी को घुमा करके निगेटिव कर दीजिए आप थोड़ा बहुत। देखिए, परंतु दूसरी तरफ सभी अंग्रेज़ों को भारत से व्यापार करने की आज्ञा देने से भारत के आर्थिक शोषण में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड के उद्योगों की जो प्रगति हो रही थी उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और बने माल के लिए बाज़ार की आवश्यकता थी, इसी कारण यह सुविधा अंग्रेज़ों को दे दी गई। अब समझ लीजिए, निगेटिव पॉइंट यह बताया गया है कि देखिए इस एक्ट में क्या कहा गया कि अंग्रेज़ों को भारत में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई, यानी ब्रिटिश वासी अब यहाँ पर मुक्त व्यापार कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि भारत में भारतीयों के आर्थिक शोषण में वृद्धि हो गई। कैसे? क्योंकि अब वो यहाँ मुक्त व्यापार कर सकते थे और अब चूंकि ब्रिटेन में उस समय बड़े बड़े कारखाने लग रहे थे, उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे, तो उनको उद्योग धंधों के लिए, कारखानों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। कच्चा माल कहाँ से लेकर जाएंगे? भारत से। और कच्चा माल लेकर गए, वहाँ पर उन्होंने उससे वस्तुएं बनाई, प्रोडक्ट बनाए, फिर उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्हें बाज़ार की आवश्यकता थी। तो बाज़ार कहाँ मिले? बाज़ार उनको भारत में मिलेंगे, यानी कि भारत में ज़्यादा लोग हैं, खरीदेंगे। तो देखिए, अब दो चीज़ें, यानी कि दो उद्देश्य पूरे कर रहे हैं, एक तो कच्चा माल भी भारत से ले जा रहे हैं और वस्तुएं बना करके उसी को ला करके भारत में ऊंचे दामों में बेच रहे हैं, डबल फायदा उठा रहे हैं अंग्रेज़। तो इस कारण उन्होंने अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी कि आप लोग कच्चा माल वहाँ से लाइए व्यापार करके और हमें दीजिए, हम यहाँ से प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उसको ले जाइए भारत में बेच दीजिए महंगे दामों में। तो इससे भारतीयों का आर्थिक शोषण धीरे धीरे प्रारंभ हुआ और जो भारतीयों के छोटे छोटे शिल्प उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनका विनाश होना शुरू हुआ। क्योंकि ज़्यादातर लोग अब कौन सी वस्तुएँ खरीदने लगे जो ब्रिटेन में बनकर आती थी, ब्रिटेन के फैक्ट्रियों से जो वस्तुएं बनकर आती थी उन वस्तुओं को लोग पसंद करने लगे और यहाँ जो हाथ से वस्तुएं बनती थी भारत में उसको लोग लेना पसंद ही नहीं करते थे और महंगी भी होती थी काफ़ी। अब हाथ से भाई एक घंटे में एक वस्तु बनती है और मशीनों से तो कई बन जाती है, तो इंग्लैंड से जो वस्तुएं बनती थी वो भारतीयों के लिए थोड़ी सस्ती लगती थी और जो भारतीय बनाते थे हाथों से वो थोड़ी महंगी लगती थी, तो लोग ब्रिटेन से आई हुई वस्तुएं ज़्यादा खरीदने लगे और इस प्रकार भारतीय
कुटीर उद्योग धंधों का विनाश होना प्रारंभ हो गया, तो भारतीयों का आर्थिक शोषण भी इससे हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। इसमें ये जो इस PDF है आपको ये भी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। वैसे आप इस चाहें तो उसको लिख सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आगे हम लोग बात करेंगे 1833 में जो अधिनियम आया था उसकी, और उसके बाद 53 में, उसके बाद 58 में बहुत सारे अधिनियम आएंगे, बहुत सारे कानून आएंगे, एक एक करके सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।